हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम करेंगे परसेंटेज चैप्टर। जैसे कि दे रखा है, नारायण अपने मासिक वेतन का 30% शिक्षा पर व्यय करता है। शेष का 50% वह भोजन तथा परिवर्तन पर व्यय करता है। इसके बाद शेष में से 1,000 रुपये मकान का किराया देता है। अंत में उसके पास 1,800 रुपये बचते हैं। नारायण का मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं, हमें सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में बचत बचत इक्वल बचत करना होता है। तो जैसे 30% शिक्षा पे व्यय कर दिया तो बचा कितना? 70%। ऐसे 50% भोजन पे व्यय कर दिया तो बचा कितना? 50%। तो हम मान लेते हैं उसकी आय एक्स थी, तो हम लिखेंगे एक्स मल्टीप्लाई 70% का, हम लिख लेंगे 70/100 मल्टीप्लाई 50% का, लिख लेंगे 50/100। अब उसने 1,000 रुपये मकान का किराया दिया, तो इसको हमें माइनस करना पड़ेगा इसमें से। तो माइनस 1,000 = 1,800। तो इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स इंटू 7/10 मल्टीप्लाई 1/2 = 1,800 + 1,000। एक्स इजिक्वल टू ये हो जाएगा 2,800। 2,800 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 2/7। इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 8,000 रुपये। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक आदमी अपनी आय का 5% निर्धन कोष में दान देता है, सॉरी दान करता है। शेष आय का 20% बचत बैंक में जमा करता है। अंत में उसके पास 1,919 रुपये बच जाते हैं। उसकी आय कितनी है? तो जैसे हमने कहा था कि बचत इक्वल बचत करते हैं, तो हम 5% निर्धन कोष में दान करता है तो उसके पास बचेंगे 95। तो हम लिख लेंगे, हम मान लेंगे उसकी आय एक्स है, तो क्या हो जाएगा? एक्स मल्टीप्लाई 95/100 मल्टीप्लाई ऐसी 20% बचत बैंक में जमा करता है तो उसके पास कितना हो जाएगा? 80%। तो हम लिख लेंगे 80% / 100 = 1,919। तो हमारा हो जाएगा एक्स इजिक्वल टू 1,919 मल्टीप्लाय 10/8 मल्टीप्लाय 20/19। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 19 से इसको हम 1,919 को काटेंगे तो 101 में कटेगा, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 5 × 5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2,525। हाँ, नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पर तथा शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है। यदि वह 3,600 रुपये की बचत करती है तो उसकी कुल आय कितनी होगी? तो हम मान लेते हैं कि उसकी आय एक्स थी। तब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हम बचत इक्वल टू बचत लेके चलते हैं। तो मान लेते हैं अगर 20% खर्च कर दिए तो उसके पास 80% बचा होगा। तो हम लिख लेंगे 80/100 मल्टीप्लाई 30/100 जैसे बराबर 3,600। तब देखेंगे तो एक्स बराबर 3,600 × 10/8 × 10/3। आगे सॉल्व करेंगे तो एक्स बराबर 3 से जब 36 को काटेंगे तो आएगा 12 × 8 को, और बाकी के बच्चे को 4 से काटेंगे तो आएगा 25 × 50। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 15,000। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखेंगे, यह चुनाव से रिलेटिव क्वेश्चन है। किसी चुनाव में ए और बी दो प्रत्याशी थे। ए ने कुल मतों का 45% मत प्राप्त किया, परंतु 1,000 मतों से चुनाव हार गया। कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं, तो इसमें हम देखते हैं दोनों प्रत्याशियों की प्रतिशत का अंतर। तो देखते हैं कि ए को 45% मिले तो बी को कितने मिले होंगे? 55%। बाकी के बचे हुए हो जाएंगे हमारे 10। 10% बराबर हो जाएगा 1,000। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 10,000। तो कुल प्रत्याशियों की संख्या कितनी थी? 10,000। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब प्लीज़।